और कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। सुनील जाखड़ ने अब पार्टी से इस्तीफा दे दिया। सुनील जाखड़ ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। हरियाणा के गृहमंत्री का कांग्रेस पर वार, कांग्रेस में किसी नेता का भविष्य नहीं। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने ये आरोप कांग्रेस पर लगाया है। उदयपुर में संपन्न हुए कांग्रेस चिंतन शिविर में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जनजागरण यात्रा और पार्टी में नई जान फूंकने का संकल्प भी पूर्व कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ को नहीं बांध सका और जाखड़ ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। इस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को अपना भविष्य दिखने लगा है। कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ है, उसके मंथन के बाद ये उसका रस निकल रहा है। केवल सुनील जाखड़ ही नहीं, हार्दिक पटेल कांग्रेस विधायक और युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोघरा ने भी अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेज दिया है। इधर पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से एक साल के लिए जेल की सजा सुनाए जाने के बाद पंजाब कांग्रेस के नेताओं द्वारा ही सिद्धू पर सवाल उठाए जाने पर विज ने चुटकी ली, क्योंकि उनको इससे मुक्ति मिल गई सिद्धू से, जिससे वो काफी देर से महसूस कर रहे थे, उनको मुक्ति मिल गई है सिद्धू से। और अलगाववादी नेता यासिन मलिक दोषी करार दिया गया। टेरर फंडिंग मामले में कोर्ट ने यासिन को दोषी करार दिया। एनआईए की कोर्ट ने यासिन मलिक को दोषी करार दिया था। 25 मई को यासिन मलिक को सजा सुनाई जाएगी। 25 मई वो तारीख जब यासिन मलिक को सजा सुनाई जाएगी। एनआईए कोर्ट ने यासिन मलिक को दोषी करार दिया है टेरर फंडिंग मामले। कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को एनआईए ने टेरर फंडिंग का दोषी ठहराया है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट स्थित एनआईए कोर्ट ने गुरुवार को कश्मीरी अलगाववादी नेता को आतंकी मामले में यूएपीए समेत सभी आरोपों में दोषी करार दिया। इस खबर के बाद जम्मू में हिंदू संगठनों ने लड्डू बांटे और जमकर नारेबाजी की। हमें सरकार न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है कि न्यायपालिका इसको मौत की सजा जो है वो देगी, क्योंकि इसके कुकर्म इतने ज्यादा हैं, इसने इतने हिंदू समाज के लोगों की हत्याएं की हैं, इसने इतनी दहशत कश्मीर के अंदर फैलाई, इतनी हत्याओं का ये जिम्मेदार रहा है, तो इसलिए इसको मौत की सजा से कम हमें कुछ भी जो है वो स्वीकार्य नहीं है। साफ तौर पे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो लड्डू है वो एक दूसरे को यहाँ पर खिलाया जा रहा है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इधर राज्य के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने अलगाववादियों के आतंकी गठजोड़ को लेकर ज्यादा कुछ कहने से इनकार कर दिया। अदालत ने अपना फैसला सुना लिया है, अब इसके बाद यासीन मलिक क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो उन तक है, मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता। अब्दुल्ला जो कहें, लेकिन यासीन ने खुद पर लगे आरोपों को लेकर साफ कहा है कि वो इस पर चुनौती नहीं देना चाहता। अब मलिक को इस मामले में कितनी सजा मिलेगी इस पर फैसला 25 मई को होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।